अररिया भड़गामा प्रखंड अंतर्गत रविवार 9 अक्टूबर को सिमरन बनी पंचायत के छर्रा पट्टी से दुर्गा मंदिर सिमरन बनी तक हजारों ग्रामीणों ने विमल मंडल को न्याय दिलाने के लिए जनसैलाब के साथ जुलूस में निकल पड़े, जिसमें महिलाएं पुरुष हाथों में बैनर लेकर चल रहे थे तो वहीं बच्चे और बूढ़े हाथों में लिखे तख्ती लेकर चल रहे थे, जिसमें लिखा था भ्रष्टाचार मिटाना है, बिहार को बचाना है, विमल मंडल को न्याय दिलाना है और बिहार के प्रत्येक पंचायत की योजनाओं की जांच कराना है। लोगों ने नारा लगाते हुए चल रहे थे। बताते चले कि कुछ दिन पूर्व 7 जून 2022 को श्री मंडल ने भ्रष्टाचार के खिलाफ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री को पत्र लिखा था। पत्र में लिखा था कि 1 अक्टूबर 2022 के अंदर पंचायत की जांच नहीं हुआ तो श्री राम की सौगंध मैं उस हाथ को काट लूंगा जिस हाथ से पत्र लिख रहा हूँ। भ्रष्टाचार के जंग में मंडल ने 2 एकड़ जमीन तक बेच दिया था। कार्रवाई नहीं होता देख सरकार के रवैये से तंग आकर अयोध्या स्थित सरयू नदी के तट पर यह कहकर अपना हाथ काट लिया। कहा कि बार बार पत्र लिखने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं हो रही है तो यह हाथ रहना बेकार है और अपना दाहिना हाथ काट लिया। इस घटना को अयोध्या के कुछ चैनलों ने प्रमुखता से दिखाया। जुलूस में पूर्व मुखिया रामचंद्र यादव, समाज सेवी मासूम झा, वर्तमान पंचायत समिति सुधाकर कुमार मंडल एवं पंचायत के सरपंच तथा हजारों की संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे। स्वर्ण रानी के साथ अररिया से रणजीत ठाकुर की रिपोर्ट। ये कब हुई है घटना? कब हुई ये घटना? ये घटना 3 अक्टूबर को। क्या हुआ था? विमल मंडल मतलब न्याय दिलाना है, विमल मंडल को जो है मतलब भ्रष्टाचार से मुक्त कराना चाहता है। ये जुलूस निकाला जा रहा है विमल मंडल की साथ उसको न्याय दिलाने के लिए। ये कहां से कहां तक आप लोग जुलूस निकाले हैं? इछरा पट्टी गांव से जाना है, जाना दुर्गा मंदिर तक। भ्रष्टाचार के जंग को लड़ते लड़ते विमल मंडल ने अपना दाहिना हाथ काट लिया, उसी के न्याय दिलाने के लिए जुलूस निकाला जा रहा है। जिंदगी की भागदौड़ भरे सफर में हमें चाहिए एक नई ताजगी। अब सफर चाहे कोई भी हो, हर सफर में मिलेगी नई ताजगी का एहसास। तो बस एक प्याली चाय और अपने हर सुबह और शाम को बनाए खास बंगाल गोल्ड टी। चाय एक अनोखा मिश्रण कड़कपन और भरपूर ताजगी का एहसास। बंगाल गोल्ड टी